लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल विच आप सब दा एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवी वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, तो इस वीडियो नूं होरां नाल वध तो वध शेयर करो। अज असी इस वीडियो विच उन्हां सारे विद्यार्थियों सिख्यार्थियों का प्रीख्यार्थियों का स्वागत करते हैं जो रीट के इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, मिडल ते प्राइमरी नूं अपना आधार बनाया उन्होंने। उन्हां विच जो भाग तीजा है भाषा दा शिक्षा शास्त्र, भाषा दा सिक्ख्या शास्त्र, पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, उस विच जो हुण दूजा विशा साडी दूजी वीडियो दा विशा है वह है भाषा अध्यापन दे सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये गल पहले भी पिछली वीडियो च आपां कर चुके हां, बई सीखना भी एक कला है और अध्यापन भी एक कला है। कला दा मतलब कलाकार हर कोई बंदा नहीं हुंदा, कलाकार कोई कोई हुंदा है। एक जमात विच काफ़ी सारे विद्यार्थी हो सकते हैं, परंतु उन्हां विच्चों कोई चमकदे लिशकदे या ब्राइट माइंड वाले विद्यार्थी है जिन्हां नूं सिखाउण दा बड़ा आनंद आंदा। इस प्रकार स्कूल विच कई सारे अध्यापक ने, पर उन्हां विच्चों कुछ को शार्प माइंड, ब्राइट माइंड या अंदरों जिहड़े बॉर्न टीचर हुंदे ने, इसका मतलब है वह उन्होंने अपने बॉर्न गुण नूं एक आर्ट की तरह उन्होंने प्रज्वलित किया, उसनों जिहड़ा उसनों वधाया है। इस करके जो अध्यापन है ना वह एक कला है, तो हर कला के अपने सधारण सिद्धांत, जिदा असी आर्ट यानी ड्रॉइंग नूं एक कला मनते हैं, तो ड्रॉइंग के सधारण सिद्धांत ने भी लाइन जिहड़ी तुहाडी वो ठीक होनी चाहिए, परसैप्शनस है वो ठीक होने चाहिए, आला दुआला ठीक होना चाहिए, इस तो अलावा तुहानूं रंगां की सोझी होनी चाहिए है। यह आर्ट यानी ड्रॉइंग दे सधारण रूल ने। इस प्रकार क्योंकि अध्यापन और सीखण भी कला है, और असी गल कर रहे हैं भाषा के अध्यापन के सिद्धांतों की, सानू पता है भी हर कला के सधारण सिद्धांत होंदे है। इस तरह अध्यापन भी एक कला है और इस कला के भी कुछ सधारण सिद्धांत ने, असी उन्हां दी फिर अगों जिहड़ा डिटेल च डिस्कस करांगे। इस दे नाल असी यह देखते हाँ भी भिन्नतावां दा ध्यान रखद्या होया अध्यापन करवाउणा पैंदा है। जे असी एक टीचर इको तरीके नाल, इको सिद्धांत नाल, इको अप्रोचिंग ढंग नाल, इको बच्चों के दिमाग ते पहुँचन दे ढंग नाल अपनी विद्या पढ़ाएगा, वो सफल अध्यापक नहीं बन सकता। इस करके क्योंकि जमात विच बच्चे, हरेक बच्चे दी अपनी प्रवृत्तियां है, अपनी टेंडेंसी है, हरेक बच्चे दी अपनी रुचियां, इंटरस्ट ने, हर बच्चे दी अपनी कैपेसिटी है, समर्था है और टैलेंट है उसका, हर व्यक्ति हर बच्चे दीआं व्यक्तिगत भिन्नतावां ने। जिदा असी पहले भी गल की है पिछली वीडियो, कुछ बच्चे सुन के ऑडिटरी जिहड़े लर्नर होंदे है जिहड़े कि सुन के किसी गल नूं सिखदे है, कुछ बच्चे विजुअल जिहड़े है ना वह यानी देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे हत्थी करके सीखते हैं। हुण एक जमात है उस विच मान लो 40 बच्चे ने, उन्हां 40 बच्चों विचों काफ़ी सारे जिहड़े बच्चे ने वो देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं और कुछ बच्चे होर तरीके नाल सीखते हैं। इसका मतलब है अध्यापन क्योंकि कला है, इस करके अध्यापक नूं यह स्किल आनी चाहिए है भी अपने आपनूं स्विच कर सके, अपने आपनूं चेंज कर सके भी यह जो मेरी जमात। इस करके यह कहना पैंदा है जिदा एक माँ अपने हरेक बच्चे की भुख का, हरेक बच्चे के कपड़े का, हरेक बच्चे के इंट्रस्ट और उसके दुखीकरण होने के कारण का ज पता जानती है ना, इस तरह एक अध्यापक नूं भी अपनी जमात के एक एक बच्चे की मनोवृत्ति का, उसकी जो है ना मानसिक अवस्था का, उसकी प्रकृति का पता होना चाहिए, नेचर का पता होना चाहिए। ता ही वो क्योंकि कुछ बच्चे बड़े शरारती होंदे है, कुछ बच्चे गैर गंभीर होंदे है, कुछ बच्चे बदमाश टाइप होंदे है, इसका मतलब क्योंकि बदमाशों नूं भी नहीं कढ़िया जा सकता, शरारती नूं भी कढ़िया जा सकता, उन्होंने एक ग्रुप के तौर पर एक पूरे कलैक्टिव समूह के तौर पर उसनूं पढ़ाया जाना जरूरी है क्योंकि यह साडा एक फर्ज़ है, यह सानूं एक डिवाइन ड्यूटी मिली है परमेश्वर वालों। इस करके इस अध्यापन इस कला नूं हरेक बच्चे दे अपने इंट्रस्ट, अपनियां रुचियां, अपनी समर्था, अपनी व्यक्तिगत भिन्नतावां, जो उसदे परसनल जो अलग अलग भिन्नतावां ने उसके आधार पर अध्यापक नूं इस आर्ट का निर्वाह करना पैंदा है। भाषा की सिखलाई समय उसनों हरेक बच्चे की जो भिन्नता ज हरेक बच्चे की समर्था के अनुसार ही पढ़ाना पैंदा है। उस तो बाद भाषा की सिक्ख्या समय भाषा की प्रकृति का बड़ा ध्यान रखना पैंदा है। जे असी पंजाबी पढ़ाने वेले
अंग्रेजी का सारा फेनोमिना या अंग्रेजी का सारा दृश्य अंग्रेजी का सारा आधार लैके चलांगे, पंजाबी नहीं पढ़ा सकते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ाने समय जे कोई अध्यापक अपने पिछले बैकग्राउंड नूं लैके जाए, अपने मान लो कोई बंदा कोई टीचर किसी बड़े चंगे पेंडू पिट भूमि तो आया, विलेज बैकग्राउंड तो आया, परंतु उसका सारा कुछ वधिया ज्ञान उसका सब कुछ होने के बावजूद जो उसका एक्सेंट उसका बोलन का हाव भाव तरीका चंगा नहीं है, उसके भाषा के उतार चढ़ाव चंगे नहीं है, तो वह बंदा चंगा पंजाबी का अध्यापक होने के बावजूद अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि भाषा की सिक्ख्या समय भाषा की नेचर भाषा की प्रकृति का सानू ध्यान रखना पैंदा है। हरेक भाषा की अपनी प्रकृति है। जदों असी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र यानी पैडागोजी की गल करते हैं और भाषा अध्यापन के सिद्धांतों की गल करते हैं तो असी यह जानना जरूरी है साढ़े लिए भी भाषा की सिखलाई समय या टीचिंग समय सानू भाषा की प्रकृति का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। हुण असी जो मात भाषा की इतने गल करें क्योंकि यह साडा पंजाबी विशा है और पंजाबी एक मां बोली है, पंजाबी मां बोली इस करके है, अंग्रेजी मां बोली इस करके नहीं है क्योंकि यह जो मां बोली है अपने पुरखियों तो अपने मां के जरिए बच्चा पहले दिन पहले पल तो ही सीखना शुरू करता है और उम्र के अंत तक उसनों एकदम आत्मसात कर चुका होंदा है। उसनों भाषा के व्याकरणक नियमों जानने की जरूरत नहीं होंदी, उसनों भाषा के उतार चढ़ाव विश्राम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसनों अपने जन्म तो लैके यह सारी जी है ना उसके अंदर प्रोसैस चलिया। इस करके जो असी भाषा का अध्यापन करते हैं तो स्पैशली मात भाषा को पढ़ाने फिर जो मात भाषा का गुण है ना एक पंजाबी का मेरे ख्याल बलराज सानी पंजाबी का बहुत बड़ा लेखक होया वो अपने बच्चों नाल अमरीका रहिंदा सीगा, उत्थे एक बड़ी सियाणी जनानी सी उसकी सहयोगी सी अध्यापक सी, उसने उसनों पुछया भी यह दस तू इत्थे अमरीका विच अपने घर विच अंग्रेजी बोलदा है कि पंजाबी बोलदा है, तो दोनों भाषा बोलता सी, तो कहिंदी भी इत्थे तू अपने बच्चे नाल पंजाबी बोलिया कर, क्यों? कहिंदी इत्थों अंग्रेजी तो उसनों हवा पानी तो मिल जाएगी, वह आप ही सीख जाएगा क्योंकि इत्थे अंग्रेजी का ही बोलबाला है, उसनों हर पास अंग्रेजी सुनने को मिलेगी, इस करके तू पंजाबी बोलिया कर, उसनों अंग्रेजी इत्थे हवा पानी चो मिलेगी। जदों वह पढ़ाई करा के अपने बच्चों नूं अपना नौकरी खत्म करके अपने देश यानी पंजाब की भूमि ते आन लगा तां उसे इस्त्री उस अध्यापका ने कहा उसकी साथी ने कहा साथण ने कहा भी हुण तू पंजाब जाके अपने बच्चों नाल अंग्रेजी बोलनी है क्योंकि पंजाबी तो उस तेरे बच्चे नूं हवा पानी तो मिल जानी है। इत्थे मेरे यह कहने का मतलब है कि जो मात भाषा का गुण है यह स्वय अनुकरण का यानी बच्चा नकल करके आप ही सीख जाता है, उसनों बच्चे नू जिहड़ी माँ है वह व्याकरण के गुण नहीं समझाती परंतु माँ के हाव भाव उसके बोलन का तरीका उसदी अखां का हाव भाव उसका जो जैसचर है उस तो बच्चा अनुकरण करता उसनों जिहड़ा इमीटेट करता उसकी नकल करता स्वय अनुकरण करता और माहौल यानी इनवायरमेंट तो उसनों ग्रहण कर लैंदा है। इस करके जो असीं मात भाषा पढ़ाने ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਜੋ ਵੈਕਬਲਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੋਣ ਹੈ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਬਲਰੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸਰਣ ਉਸਦਾ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਬਲ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਟੀਚ ਮੀ ਦਾ ਵੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਉਸਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਐਮਪਾਵਰਡ ਵਿਦ ਨਿਊ ਨੌਲੇਜ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੇ ਬੀਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਜੇਬੀਟੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੈਂਟ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਐਮਪਾਵਰਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।